हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी दवा के विषय में जिसका नाम है रेटनिया। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंशियल में और किस ड्यूरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रेटनिया जो है रेक्टम और एनस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जैसे हम शौच करके आते हैं और हमको जो है बर्निंग होने लगती है, एक तो पहले शौच के समय दर्द होगा, उसके बाद शौच आने के बाद में भी हमको छटपटाहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, बर्निंग रहेगा, दर्द रहेगा, जिसको बोलते हैं फिशर। टप टप दर्द तो हमेशा करता ही है, लेकिन जब हम मोशन करके आते हैं तो उसके बाद में हमारी जान निकल जाती है, इतना दर्द होता है, इतना जलन होती है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ही रामबाण दवाई है, फिशर ऑफ द रेक्टम। इसके लिए आपको जो है 30 पावर में, अगर दर्द ज़्यादा करता है तो 30 पावर में 4-4 बूंद करके आप इसको लेते रहिए। दिन में 3-4 बार करके 15-20 दिन तक ले लीजिए, आपका फिशर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में तब गोली में जो है 4 गोली सुबह शाम ले लीजिए। रेटनिया जो है फिशर की रामबाण दवाई है। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है, अगर आपका स्टूल जो है अगर हार्ड होता है तब तो लगता है कि हाँ कि आपको स्ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो स्टूल जो है नरम है फिर भी आपको स्ट्रेनिंग देना पड़ता है, तब स्टूल पास होता है। तो ऐसे सिम्टम में जो आप जो है रेटनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आपका जो स्ट्रेनिंग करना पड़ता है तो आपका स्टूल बिना स्ट्रेनिंग के जैसे सब आदमी का नॉर्मली निकल जाता है, वो नॉर्मल निकल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी जो है अर्ली मंथ है, अभी शुरुआती 3 महीना का दौर है, और उसमें जो है ट्रैबल टूथेक इतना दर्द होता है कि मजबूरन जो है उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर इस प्रॉब्लम में अगर वो रेटनिया 30, चूँकि बच्चा पेट में है तो रेटनिया 30 40 समय गोली में 4-4 गोली 2-3 घंटे पर अगर हमेशा लेती रहे, जो टूथेक होता है वो तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम जो है फीमेल पर है। अगर कोई फीमेल पेशेंट बच्चे को दूध पिला रही हैं और उनके जो है निपल्स फट गया है, निपल्स में फिशर हो गया है जो कि दर्द करता है, तो ऐसे सिम्टम में ऐसे पेशेंट को जो है फीमेल पेशेंट को रेटनिया 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार ले लें, उनको आराम हो जाएगा। उसके बाद में गोली में बनाकर लेते रहें कुछ दिन, तो उनका जो है निपल में जो फिशर हुआ है वो एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम भी बहुत ही यूनिक सिम्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसमें कोई सिम्टम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि गम से और जो है नोज से हमेशा ब्लीडिंग होती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया भर की दवाई दे रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर गम्स में और गम से और नोज से ब्लीडिंग हमेशा होती रहे तो आप रेटनिया 30 जो है 4-4 गोली सुबह शाम 2 बार करके 15 दिन दे दीजिए। अगर गोली में नहीं मिलती है तो 30 जो है ड्राप में दे दीजिए, 4-4 बूंद करके सुबह शाम, गम से और नोज से खून निकलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है आई पर है। आई की एक बीमारी होती है टेरिजियम, जिसमें क्या होता है कि आँख में जो है बर्निंग होती है, आँख लाल हो जाती है। इसमें जो व्हाइट पोर्शन होता है जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, वो अगर काली पोर्शन पर कॉर्निया पर आ जाए तो उसमें जो है आँखों में इरिटेशन होने लगता है, लगता है आँख में कोई चीज़ चली गई है। और उसके अलावा जो है ट्विचिंग ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स आपका हमेशा ट्विचिंग करेगा, जैसे ऐसे ट्विचिंग करेगा हमेशा, तो ऐसे सिम्टम में आप जो है रेटनिया 30 पावर में जो है 4 रोज़ सुबह शाम जो है लगातार दे दीजिए। आपका टेरिजियम भी ठीक हो जाएगा और आँख की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और आईलिड्स जो ट्विचिंग कर रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पिनवर्म। अगर जो है रेक्टम में कभी कभी जो है किसी को बहुत खुजली होती है तो वो जो है दुनिया भर का मलहम लगाते हैं, लेकिन पिनवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा वार्म है एकदम सूते की तरह पतला पतला रहता है और रेक्टम के अंदर रहता है, और वो जब काटता है तो रेक्टम में खुजली होती है। हालांकि इसकी एक और दवाई है जिसको बोलते हैं टिक्रियम बोलते हैं, तो आप टिक्रियम अगर आपके पास में है तो टिक्रियम आप दे दीजिए, नहीं तो पिनवार्म की यह बहुत अच्छी दवाई है। रेटनिया 30 सुबह शाम 4-4 बूंद करके 15 दिन तक दे दीजिए, पिनवार्म हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पाइल्स पर जो है। पाइल्स की ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब मोशन करने जाते हैं तो आपका जो है थोड़ा स्ट्रेन दिए आपका पाइल्स बाहर निकल आता है, उसके बाद में फिर अंदर चला गया, उसके बाद उसमें दर्द होता है। ऐसे सिम्टम में चूंकि दर्द हो रहा है तो आप रेटनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3-3 घंटा पर लेते रहिए, जब तक कि आपका पाइल्स बाहर निकल रहा है। जो पाइल्स निकलना बंद हो जाए तो उसके बाद में फिर गोली बनाकर लगातार 1 महीना तक दे लीजिए, तो आपका इस तरह का पाइल्स जो है स्टूल के समय जो बाहर निकल जाता है आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है रेक्टम में जो है पाइल्स हो, फिशुला हो, फिशर हो। अगर आपको रेक्टम में इतना दर्द होता है कि आप छू नहीं सकते हैं,
आपको छूने में दर्द होता है, तो ऐसे सिम्टम में जो है आप रेटिनिया 30 पावर में 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए, आपका जो है 2-3 दिन में आराम हो जाएगा, लेकिन दवा कुछ दिन देने से ये आपका ठीक हो जाएगा। और इसका अंतिम सिम्टम यह है कि रेक्टम में ही आपको कभी कभी ऐसा लगता है स्प्लिंटर ऑफ ग्लास, जैसे शीशे के टुकड़े आपके रेक्टम में काट रहे आपको दर्द होता है, तो ऐसे रेक्टम के दर्द में आप रेटिनिया मदर टिंचर या 30 पावर में दिन में 2 बार दीजिए, या मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, तो आपका परेशानी जैसे रहे, अगर आपका परेशानी ज्यादा रहे तो आप जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं 30 हो चाहे मदर टिंचर हो, प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाए तो कम रिपीट कीजिए। तो रेटिनिया जो है रेक्टम के लिए जो है ये बहुत बढ़िया दवाई है। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेटिनिया के बारे में कुछ सिम्टम बताया, और जितने सिम्टम बताया वो सब गोल्डन सिम्टम है, आपका कोई भी सिम्टम मिलता है आप दवाई रेटिनिया ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।